ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक थे जो जिसको मैं बताने वाला हूँ सिक्स क्लास का, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट शेप्स, एलिमेंट्री शेप। ठीक है, सेप आकार के कुछ समझना, आकार के कुछ तत्व को समझना, राइट? आ गया, सब दिख रहा है ना? ओके, यानी माय डियर, इसमें फर्क होना है कि आयत, आयत क्या होता है, ध्यान दीजिए, आयत है रेक्टेंगल, ठीक है। आयत रेक्टेंगल क्या होता है, ध्यान दीजिए, अच्छी तरह ध्यान दीजिए। इसको हम ऐसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं एल, इसे एल, इसे बी, इसे बी। एल मतलब होता है लंबाई और यानी लेंथ, बी को होता है ब्रेथ यानी चौड़ाई, ठीक है, बी को छोड़ा है, जरूर आगे देखिए, बी छोड़ा जो होता है उसको डी को डायगोनल यानी द्विघात। ये था शेप आपके आयत के बारे में, ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, अगला है दूसरा फिगर है जिसका नाम है वर्ग यानी स्क्वायर, राइट? इसके चारों साइड इक्वल होते हैं, ए ए ए, चारों भुजा बराबर होते हैं, चारों भुजा बराबर, फोर साइड्स आर इक्वल, फोर साइड आर इक्वल, जैसे हम लिखो ए बी सी डी, यानी तो ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर, ए डी, समझ गए? ये चारों साइड इक्वल होते हैं, लोगे ना? ठीक, अगला क्वेश्चन है तीसरा, त्रिभुज ट्रायंगल होता है ए बी सी, ठीक है, तीन साइड होते हैं, तीन भुजा होते हैं, थ्री साइड्स, पहला ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा ए सी, समझ गए? क्लियर हो गया? क्वाड्रिलेटरल इनके चार होते हैं, ए बी सी डी, इनके चार होते हैं क्वाड्रिलेटरल, चार चार कौन होते हैं, फोर एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चार इसके होते हैं। पांचवा ए ए ए ए ए बी ए बी सी, इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज,
इक्विलेटरल ट्रायंगल संधिबाहु त्रिभुज आइसोस्केलेटन में दो साइड इक्वल होते हैं ठीक है और इसको बोलते हैं समबाहु ठीक है लोग अब देखिए अब है समझौते कुछ ठीक है इसके ए साइड होता है ए ए ए ए ये दो डायगोनल होते हैं डी वन और डी टू दो डायगोनल होते हैं अब आते हैं समांतर चतुर्भुज पहले रुक रहा इसको फिगर ऐसा ए ए बी बी ठीक है ध्यान रखिएगा आगे देखिए बाप कर वैसा होता है एक होता है ओपन कर बोला बाबा एक होता है क्लोज कर क्लोज कर बंद ठीक है आगे देखिए इसके बाद ट्रेपीजियम समलंब ठीक है ऐसा होता है समलंब अगला होता है काइट ठीक है फिगर आप याद कर लीजिए समझ गए अब है ठीक है तो इतना ही आज रखते हैं बाकी अगले वीडियो में कर रखेंगे जब तक के लिए नमस्कार।